नाम वैभव गुप्ता है। आज मेरा TGT SST का JNU KV में इंटरव्यू था। मैं अभी अभी इंटरव्यू के लिए देकर बाहर आया हूँ। तो जैसे मैं वहाँ गया तो सबसे पहले तो DB हुई। DB पे कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं, DB डॉक्यूमेंट्स मेरे सही थे। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि आप ऊपर जाइए। मेरा फोर्थ नंबर था इंटरव्यू का। मेरे से पहले 3 कैंडिडेट्स और थे। फिर उसके बाद जब मेरा नंबर आया, मैं अंदर गया तो सबसे पहले उन्होंने नाम पूछा एंड इंट्रोडक्शन के लिए कहा कि आप इंट्रोडक्शन अपना दीजिए। इंट्रोडक्शन देने के बाद उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा कि समग्र शिक्षा क्या है। तो समग्र शिक्षा अभियान के बारे में मैंने उनको बताया कि ये है। तो फिर उन्होंने कहा, अच्छा ये सर्व शिक्षा अभियान से कैसे डिफरेंट है। तो मेरे को एक पता हुआ था पॉइंट, वो मैंने उनको बताया। कहते हैं अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे पूछा कि आपने NEP पढ़ रखा है थोड़ा बहुत। हमने कहा यस सर। फिर उन्होंने पूछा एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है। तो उसको मैंने बताया। तो फिर कि एक्सपीरियंस के थ्रू, अगर बच्चों का एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज को गेन करना एक्सपीरियंस हो, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा आप वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग से पढ़ा के आप बताइए। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया। तो फिर उसके बाद कहते ये तो थोड़ा सा आपका लेक्चर मेथड में जा रहा है, अच्छा आपने कौन सा टॉपिक तैयार कर रखा है आप वो बताइए। तो मैंने कहा सर मैंने ये अपना टॉपिक मैंने उनको बताया कि मैं ये रेडी करके आया हूँ। कहते हैं ठीक है, अच्छा आप वो पढ़ाइए। तो मैंने थ्रू मैप जो हमें नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया है वो बताया। उससे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे कि नेचुरल वेजिटेशन कहाँ क्या है। फिर उन्होंने सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं कि अगर आपकी क्लास में कोई अंधा बच्चा है, बहरा है, बोल नहीं सकता, आप उनको कैसे ये पढ़ाएंगे, उनको कैसे समझाएंगे, क्या मॉडल्स आप यूज़ करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। फिर इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन कि आप इकोनॉमी कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, कैसे कनेक्ट करेंगे इकोनॉमी से। इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के बाद उन्होंने सेक्टर्स पूछे किस सेक्टर्स में क्या क्या आता है। आफ्टर डैट उन्होंने आखिर में मेरे से स्मार्ट बोर्ड आप यूज़ कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसको मैंने यूज़ नहीं किया था। तो मैंने कहा सॉरी सर अभी मैं नहीं यूज़ कर सकता हूँ। एक फिर क्वेश्चन पूछा कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। देन उन्होंने कहा दैट्स ओके। लगभग 20 मिनट के अप्रॉक्स मेरा इंटरव्यू चला था और ये आज का। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप जा सकते हैं, दैट्स ओके। सबसे अलग अलग कुछ कैंडिडेट्स और थे तो मैंने बात किया, सबसे अलग अलग है। जैसे कि मेरे से उन्होंने इंट्रोडक्शन से मेरे से क्वेश्चन नहीं किया, पर अदर कैंडिडेट्स हैं तो सबसे हर एक फील्ड से वो क्वेश्चन कर रहे हैं। आपके जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं उनको खास कर ध्यान करके, क्योंकि उन्होंने कहा आपने पॉल साइंस ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है तो आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन आप बताइए कैसे होता है। तो आप इसको ये याद रखिए कि आपका जो सब्जेक्ट है उस पर आपकी कमांड होनी ज़रूरी है। इसके साथ ही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग रेडी कर लीजिए, कि सिचुएशंस जो होती हैं उनको आप रेडी कर लीजिए। एक आध क्वेश्चंस वो आपके साइकोलॉजी से ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल NEP है और RTE है, दैट्स ओके। और ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, बोर्ड मेंबर काफ़ी कोऑपरेटिव हैं आपके साथ, और दैट्स ओके सर। मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है, मेरा TGT साइंस का इंटरव्यू था आज। और मुझसे सबसे पहले उन्होंने बोला कि इंट्रोडक्शन दें अपना, तो मैंने ब्रीफ में बोला देना है आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं देना है, तो मैंने ब्रीफ में दिया। फिर उन्होंने सीधे मुझे बोला कि आप टॉपिक कौन सा पढ़ाएंगे, तो मैंने बोला लाइट पढ़ाऊंगी। तो वो बोले कि बहुत लोग पढ़ा रहे हैं लाइट, कुछ अलग पढ़ाओ। तो फिर उन्होंने अपनी तरफ से एक मुझे केमिकल रिएक्शन का टॉपिक दिया था, वो मैंने थोड़ा पढ़ाया। फिर उन्होंने ज़्यादा पढ़ाने नहीं दिया, बीच में ही उसी में से क्वेश्चन वगैरह पूछने लगे। देन उसके बाद बोले बैठ जाइए आके। फिर बैठने के बाद उसी में से फिर थोड़ा डीएनए के स्ट्रक्चर और जीन क्या होता है, जीन के बारे में थोड़ा पूछा था। देन मुझसे थोड़ा NEP के बारे में ये बोला कि NEP के और पहले वाली NEP और इस वाली जो नई NEP है इसमें क्या डिफरेंस है, तो वो मैंने बताया। और फिर बस उन्होंने बोला कि आप जाएं, हो गया आपका, इतना ही था बस। 10 या 15 मिनट तक चल रहा है सबका। कृपया तो बस यही है कि आप अच्छे से अपना भाई डेमो वगैरह कर लें, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो आप मतलब जो टॉपिक तैयार करके जाएँ वो लोग वही पूछें, अपना भी वो लोग दे सकते हैं। तो आप ये सोचें कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं हल्का फुल्का, तो मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज सारे टॉपिक का रखें, तो जैसे थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही सकें आप। बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं इम्पोर्टेंट खास, इतना ही बस मेन तो वही सब्जेक्ट से पूछ रहे हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहे हैं। कभी कभार एक आध मतलब NEP से थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, वो भी सबसे नहीं पूछते, किसी किसी से पूछते हैं, इतना ही। मेरा नाम पूजा सैनी है, मैंने TGT साइंस के लिए अप्लाई किया था। मेरा इंटरव्यू अभी फर्स्ट फाइनल में था, लेकिन मेरा टाइमिंग 11:30 था और अभी जस्ट मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ है। सो जब आप अंदर जाओगे तो आपको अब मेरे से अपनी ग्रीटिंग्स खत्म की, फिर इंट्रोडक्शन के बाद में वो आपको डेमो के लिए कहेंगे, ठीक है। तो डेमो के लिए आपका अपना टॉपिक है, दे लास्ट कि आपने क्या टॉपिक प्रिपेयर किया है, एंड देन आप जस्ट डेमो स्टार्ट करोगे। मैंने एक्चुअली जो टॉपिक दिया, मैंने केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाया था, सो मैंने क्लासरूम से ही मतलब जैसे उधर वाटर कूलर चल रहा था,
तो उसकी एग्जाम्पल को लेते हुए मैंने उस चीज को समझाया था। तो यूजली जैसे वो डेमो 5 to 10 मिनट्स ले रहे थे, बट बिकॉज मैंने पूरा वो पहले इवेपोरेशन समझाया एंड फिर वाटर कूलर का फंक्शनिंग सिखाया, तो मेरा ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स उसमें चला। एंड फिर उसके बाद में उन्होंने सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए। वो एक्चुअली पैनल टू पैनल भी डिपेंड करता है कि कौन क्वेश्चन उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मेरे वाले पैनल में एक्चुअली तो ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से थे। उन्होंने बायोलॉजी में एनिमल किंगडम से शुरुआत करते हुए उन्होंने ये पूछा कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, उसमें जैसे मैंने बताया कि कंप्लीट चेंज होता है, तो मेटामॉर्फोसिस में भी एग्जाम्पल आप बताइए। फिर जैसे फ्रॉग के केस में क्या होता है, उसको एक स्पेसिफिक टर्म क्या है रेट्रोग्रेसिव, और फिर कोई और एग्जाम्पल बताओ जहाँ मेटामॉर्फोसिस होता है। और फिर उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ हायर टर्म्स भी पूछे, जिसमें एक दो टर्म्स मुझे डाउट था, तो मैंने थोड़ा बेसिक आइडिया देके उनको बोल दिया कि आई एम सॉरी आई एम अनेबल टू रिकॉल दैट राइट नाउ। फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन थे, फिजिक्स से एक दो क्वेश्चन थे लाइक मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। और इसके अलावा एक्चुअली मेरे स्पेशल अचीवमेंट में मैंने लॉन्च एंड खेला था अपने कॉलेज लेवल पे एंड इंटर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो उनका एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड था। तो मैक्सिमम आई थिंक मेरा 20 मिनट्स के अराउंड इंटरव्यू चला था। इसके बाद में बाकी अगर मैं सजेशन देना चाहूँ तो ये है कि मेन आपका कंटेंट नॉलेज आप लेके चलो, क्योंकि अभी एज सच एक्स्ट्रा वो जीके के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे जैसे यूजली पूछते थे रिगार्डिंग केवीएस एंड करंट सिचुएशन, वैसे ना पूछ के उनका अभी मेन फोकस है आपके कंटेंट पे। सो अगर आप पीजीटी साइंस के लिए हो तो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स एटलीस्ट ये आप अच्छे से पढ़ के जाओ, बिकॉज उस टाइम पे वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो वो शायद थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट बना दे। मेरा नाम निधि भारती है एंड आई हैव कम हियर फॉर पीजीटी एसएसटी, और मेरा बोर्ड नंबर 1 में मेरा इंटरव्यू हुआ था। और वहाँ स्टार्टिंग में सर ने सबसे पहले तो मुझे यही पूछा कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए बिना अपने नाम के लिए, तो और अपना जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो बताइए, फिर हॉबीज़ उन्होंने पूछा, फिर हॉबीज से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा। उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा, तो हिस्ट्री वो बोल रहे थे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने बोला एसएसटी में सारे सब्जेक्ट तो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम मैंने बोला इकोनॉमिक्स मुझे ज़्यादा अच्छा, मैं ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ हिस्ट्री की वजह से और हिस्ट्री की तरफ और पॉलिटिकल साइंस की तरफ। उन्होंने मुझे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे, हिस्ट्री के एंशिएंट में पूछे कि एंशिएंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप क्या समझती हैं, उसके कोई 4 फीचर्स बताइए, तो मैंने वो बताया। फिर उन्होंने पूछा वैदिक एज और इंडस वैली एज का डेट क्या है, ये सब डिटेल्स पूछ रहे थे। उसके बाद उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा फिर ज्योग्राफी से कुछ कुछ बातें पूछी, फिर वो आ गए वुमेन रिजर्वेशन बिल पे कि आपका क्या स्टांस है, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस में भी आपने पढ़ा है, तो आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल पे आपका क्या स्टांस, आप क्या चाहते हो, मतलब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या अभी ये टेबल किया गया है, पहले कैसा था, ये स्टेटस। उसके बाद उन्होंने मुझे कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक तो नहीं दिया पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने मुझे अचानक से ही पूछ लिया कि हाँ आप संत विनोबा भावे पे आप कुछ पढ़ा के बताइए, तो क्योंकि मुझे उस टाइम ज़्यादा रिकॉल नहीं करवा रही थी, तो मैंने बस उनको यही बताया कि संत विनोबा भावे वॉज बेसिकली इनिशिएटेड द भूदान आंदोलन एंड ऑल, सो आई जस्ट मेड देम अंडरस्टैंड कि ये प्लॉटिंग को लैंड होल्डिंग को कैसे डिवाइड करते, ये वो बताया। फिर उन्होंने पूछा कि झारखंड से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका, झारखंड में विनोबा भावे ने क्या किया था, तो मुझे इतना याद नहीं था, बस मैंने उनके इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है उनका नाम भी संत विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, लेकिन मुझे झारखंड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं थी, तो मैंने नहीं बताया। तो उन्होंने जस्ट मुझे फिर उसके बाद मुझे बुला लिया, उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। उसके बाद मुझे एक जो दो तीन सर के जो तीन सर हैं मैंने सारे उनका सारे का जवाब दिया। एक ने पूछा इकोनॉमिक्स में कि फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना के बारे में पता है कि उसका टाइमलाइन क्या है ये बताओ, तो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्योंकि सब सारे सब्जेक्ट जब उन्होंने पूछ लिया, तो जब मेरा 12th था वो मेरा कॉमर्स से था, तो उन्होंने अकाउंटेंसी के बारे में पूछने लगे कि कोई बच्चा अगर सैलरी सबमिट करता है तो आप कौन से अकाउंट में डालेंगे, तो मैंने बोल दिया जर्नल अकाउंट, लेकिन मैंने मुझे ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं थी, मैंने बोला सर लैक ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस हमने टेबल टू आंसर द क्वेश्चन। उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। फिर जो एक जो सर है ना यही सब सारा क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब मुझे मे बी पता नर्वस करने के लिए और पता नहीं मुझे। तो लास्ट में उन्होंने पूछा कि आपने लिखा है, मैंने अपने स्पोर्ट्स में लिखा था जैवलिन थ्रो आता है मुझे, डिस्कस थ्रो और योगा में मैंने प्राइज मतलब जीता है, तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसा कोई टॉपिक पढ़ाए जिसमें आप तीनों को इंटीग्रेट कर सकें,
तो उस टाइम पे मुझे कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा था, तो मैंने उनको बोला कि सर जो हम स्पोर्ट्स के और योगा के जो कोर प्रिंसिपल है उसको हम इनकलकेट कर सकते हैं, जैसे प्रैक्टिस का जो हम प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करेंगे लीडरशिप हमें बताती है, तो बस इतना ही बताया, लेकिन मैंने ज़्यादा मतलब पूछा मतलब बता ही नहीं पाई मैं इस पर। फिर उन्होंने बोला ठीक है नहीं दिया आप बस ये, एक सर की तो आवाज़ तो मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, बाकी अच्छे थे। मतलब सबसे पहले मुझे उन्होंने जो पूछा था, उन्होंने पूछा कि आपका निधि का नाम, जो आपका नाम निधि है उसका मतलब क्या, तो मैंने बोल दिया ट्रेजर है, पैसे, निधि, फंड, ये बता दिया। उन्होंने पूछा कि आपको स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो मैंने बोला कि यस मार्च तक मैंने पढ़ाया है स्कूल में। एनईपी से पूछा था कुछ, एनईपी से पूछा कि आप जो स्पोर्ट्स है योगा है वो किस टॉपिक के अंदर आते हैं, वो वाला कौन सा टॉपिक है, तो मैंने सर मैंने बोल दिया फिर उनको कि हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें हम इनकलकेट करते हैं और इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे हेडर चाहिए कि कौन से हेडर के नीचे है, तो मैंने बोला कि सर स्पेसिफिकली मुझे याद नहीं है हेडर, तो उन्होंने खुद ही बता दिया ये। सर एक जो पर्सन है उनके अलावा तो बाकी मेरा तो सब कुछ अच्छा मैंने आंसर दिया था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा अच्छा गया फिर बहुत ख़राब गया, सतरी मतलब मीडियम। मेरा नाम मैन है, मैं आज टीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, मेरा इंटरव्यू था 8:30 से था, और क्वेश्चन नॉर्मली पूछे थे, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया उसी से पूछा था, जैसे मेरा टॉपिक सर्किल था तो सर्किल 10 तक ही पूछा था, डेमो स्टार्टिंग में जाते इंट्रोडक्शन लिया आपका, इंट्रोडक्शन 5 मिनट था, उसके बाद डेमो, उसके बाद आपने किस कॉलेज से किया इतना से मेरा नाम रवीना परमार है और मैंने अभी SST TGT का इंटरव्यू दिया है, जिसमें मैं जब मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो जैसे ही मैंने एंट्री ली थी वहां पर, उन्होंने मुझसे पहले तो बोला कि आपने उड़िया सीखी, मुझसे कुछ नहीं बोला था, मैंने थर्ड लैंग्वेज सीखी है नवोदय में, तो उन्होंने मुझसे उड़िया में इंट्रोडक्शन लिया था। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा उन्होंने कि ग्लोब और मैप में क्या अंतर होता है, उसके बाद में मुझसे मेरा डेमो लिया, फिर डेमो लेने के बाद उन्होंने ही एक टॉपिक दिया था मुझे डेमो का, डेमो देने के बाद में और भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि आप नेशनल प्लेयर हो, और नेशनल से थोड़ा सा मुझसे पूछा था, मेरे बायोडाटा से ही थी जो भी चीज़ें पूछी थी, और उसके बाद में ज़्यादा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है एक, हाँ, और उन्होंने बोला था कि आप पहले मुझसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछ लिए, और ग्रीनलैंड को ग्रीनलैंड क्यों बोलते हैं उसकी लोकेशन पूछी, क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ाया था मैंने, इसलिए मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही हुए। उसके बाद में उससे पॉलिटिकल साइंस से पूछे थे, बोले आप फंडामेंटल राइट में 4-5 चीज़ें बताइए, फिर उसके बाद में उन्होंने ही मुझसे उसमें ही घुमा दिया था थोड़ा सा, फिर फंडामेंटल DPSP पूछ लिया था, उसके बाद में ड्यूटी पूछ ली, ड्यूटी में भी ओरिजिनल ड्यूटी कितनी होती है, उसके बाद में बस इतना ही चला। पढ़ा रहे हो या पढ़ा रहे हो मतलब कि आपको बैलेंस करना था, वो थोड़ी सी मेरी मैं उस टाइम पर समझ नहीं पाई, तो मैं थोड़ा सा रहा, बाकी ऑल ओवर मेरा अच्छा गया। मैं जब मैं पढ़ा रही थी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उनको बता रही थी, तो बोले कि जो विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं उन लोगों को आप कैसे बताओगे, तो मतलब वो जो डिसेबल चाइल्ड है उनके लिए पर्टिकुलर पूछा था, बाकी और कुछ खाली था, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनको पता था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने डायरेक्ट बीएड कर लिया था, तो मेरा कोई सच वो नहीं है एक्सपीरियंस। गुड आफ्टरनून, इंटरव्यू अच्छा था। सबसे पहले TGT साइंस का आज मेरा इंटरव्यू था, तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक आधार कार्ड ओरिजिनल ज़रूर रखें, क्योंकि उससे भी आपका फेस मैच करके देख रहे हैं, और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉपी और इंटरव्यू कॉल लेटर की कॉपी भी ला के रखें। उसके बाद वो अंदर बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट के सबके जीरोक्स का सेट होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, और अगर मार्कशीट दोनों तरफ है तो दोनों तरफ भी जीरोक्स होना चाहिए दोनों साइड। और उसके बाद वो DV के बाद आपको एक एक कॉपी लेके अंडरटेकिंग आपकी बायोडाटा की 5 कॉपीज लेके आपको बिठा देंगे, और उसके बाद इंटरव्यू में बुलाएंगे। तो इंटरव्यू में एक तो आपसे सबसे डेमो पूछ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पे इतना ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि बिकॉज इंट्रोडक्शन उनका बायोडाटा में ही वो पढ़ ले रहे हैं। सबका बोर्ड अलग अलग है, तो डिपेंड कर रहा है कि कौन कैसा ले रहा है, बट मेरे बोर्ड में ऐसा हुआ कि मुझसे सभी डेमो ज़्यादा देर नहीं पूछा गया,
बट डेमो थोड़ा बहुत वो आधा या पूरा सुन ही रहे, किसी से पूरा भी पूछा गया। और उसके बाद सभी सब्जेक्ट्स है, जैसे साइंस है तो उसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सभी के वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और कुछ जनरल के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जनरल साइंस के भी, रैंडमली नेचर और इससे रिलेटेड। और उसके बाद ईजी था लेवल ऑफ क्वेश्चन, कुछ एक दो हार्ड थे जो मुझे नहीं आए, बाकी ऑल जनरल नॉलेज से और जनरल अवेयरनेस से ज़्यादा पूछ रहे हैं क्वेश्चन, और सभी सब्जेक्ट बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी से पूछ रहे हैं। उसके बाद पर हेल्पफुल है, हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल दोनों में बोल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि इंग्लिश में ही बोलना है। डेमो अच्छे से प्रिपेयर करके लाए, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन डेमो से ही होते हैं, और अगर हम जैसे बायो वाले बच्चे हैं तो फिजिक्स अच्छे से पढ़ के आए, क्योंकि फिजिक्स क्वेश्चन जनरली हमें नहीं आते हैं, और कॉन्फिडेंस और एक स्माइल के साथ आप इंटरव्यू दें। थैंक यू। टीजीटी साइंस के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे जाते सबसे पहले मेरे से इंटरव्यू लिया, नॉर्मल इंटरव्यू हुआ, फिर उन्होंने बोला कि जो भी आप तैयार करके आओ टॉपिक अपना टॉपिक पढ़ाओ। फिर उनमें से एक मैम बैठी थी, तैयार लोहा पैनल था वो, जिसमें दो लेडीज थी दो जेंट्स थे, जो एक लेडीज थी वो सर शायद ऑब्जर्व कर रही थी, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, और एक लेडीज थी उन्होंने मेरे से साइंस के बारे में क्वेश्चन पुटअप किए थे, फिर उन्होंने दो तीन क्वेश्चन पुटअप किए, और फिर एक दो दूसरे सर बैठे थे उन्होंने मेरे से बस अपना सब्जेक्ट तैयार करें थोड़ा सा उसके बारे में अच्छे से, और थोड़ा करंट से भी जुड़ गए रहे, वो करंट की क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे मेरे से सबमिट के बारे में पूछा गया था कौन सी सबमिट चल रही है, कौन सा पार्ट क्वार्टर हुआ है, उसके बारे में ऐसे क्वेश्चन किए गए थे। हाँ, वो एक साइड जो टीचर थी मैम थी वो शायद बोल नहीं रही थी, उसको ऑब्जर्व कर रही थी मुझे। मेरा नाम ज्योति है और मैं यहाँ टीजीटी साइंस की पोस्ट के लिए आई थी, और मेरा जो इंटरव्यू था काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे वो कैसे थे, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, मेरे डेमो से रिलेटेड थे, और कुछ उन्होंने मेरी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस किए, और जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस लेटर भी था मेरे पास, तो उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस से भी क्वेश्चन किए हैं, और मेरे पास एक अप्रिसिएशन लेटर भी था, तो जो भी मेरे पास क्वालिफिकेशंस थी उन्होंने उसके अकॉर्डिंग ही मुझसे क्वेश्चन किए। तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा, बीयर से रिगार्डिंग भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आप कैसे भी टीच करेंगे 6, 7, 8 क्लास को, उस तरीके से भी उन्होंने पूछा मुझसे। और उन्होंने ये भी पूछा कि भाई आपने जैसे कोई एग्जीबिशन में कभी पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, ठीक है, तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई सर ऐसा कोई मुझे मौका मिला नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आप टॉपिक करके जाते हैं, डेमो पे भी आपका फोकस होना चाहिए, और डेमो के अलावा आपको थोड़ा सा जो भी बायोडाटा आप तैयार कर रहे हैं वो भी आपका क्लियर कर दिया। एक मिनट, कॉमन क्वेश्चन तो देखिए कुछ थे नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये है कि भाई जैसे आप टॉपिक करके जाते हैं वैसे उनके माइंड में सेट हो जाते हैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने, अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक उनके क्वेश्चन अराइज होते रहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आपके बायोडाटा से रिलेटेड क्वेश्चन को अराइज करते रहते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो सबसे एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, एज जैसे शुरू में इंट्रोडक्शन होता है तो सबका ही होता है, बस वो ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, वो अपना एज ए क्वालिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आपका जो कमांड है पढ़ाने के अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है वो आपको अच्छे से होनी चाहिए, कि आप जो बता रहे हैं उससे अगर आपसे डीप भी पूछा जाए तो आप उसको भी एक्सप्लेन कर सके। सजेशन मेरा यही है कि अपना टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उसकी जो सराउंडिंग नॉलेज है वो भी आपको अच्छे से होनी चाहिए।